मस्जिद में दाखिल होने लगे तो अचानक से आया, कहते हैं सलाम अलैकुम, 2 मिनट मुझे चाहिए। अब कराची का माहौल भी आपको पता है, वो साथी भी परेशान हो गया, न जाने क्या मसला, कहता नहीं सिर्फ 2 मिनट। अब ये अखलाकी एक तकाजा भी है। मैंने कहा जी फरमाइए। कहता जी गाड़ी देख रहे हैं जी? मैंने कहा जी देख रहा हूं। कहते हैं मेरे इस्तिगफार की गाड़ी। क्या मतलब इस्तिगफार की गाड़ी? कहते जी गरीब आदमी था, कारोबार को था नहीं, बड़ी मुश्किल से 25,000 जमा किया कि मैंने गाड़ी खरीद ली। एक साथी के साथ मिलके गाड़ी ली, गाड़ी तो क्या लेने थी, 25,000 से भी हाथ धो बैठा। मेरे पास हाल ही को नहीं था। मैंने कहा बस फिर अगर दुनिया में यही कुछ है तो मैं फिर अपने रब से ही ताल्लुक जोड़ता हूं। मस्जिद में बैठ गया, मैंने इस्तिगफार करना शुरू किया। इतना इस्तिगफार किया, मैं मस्जिद से बाहर निकला। कुछ अय्याम के बाद एक शख्स कहता है, ओ तुम कहां थे, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे उसने अपनी गाड़ी पे साथ बिठाया और जाके एक नई गाड़ी खरीदी और मेरे नाम करवाई। कहता जब तेरे पास पैसे होंगे तो दे देना। अब उसके बाद ना मुझे उसका पता है कि बंदा कौन है, ना मैं उसको पहचानता हूँ, ना मेरा वाकिफ था। मेरे नाम गाड़ी है, साल हो गया चला रहा हूँ, अल्लाह ताला रोजी दे रहा है। और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी कहा करते थे, इन्नहु लयक़िफ़ ख़ातिरी फिल मसअला अल्लती तुश्किलु अलैय। मेरी जिंदगी में ऐसा भी होता कि जबकि मसला मुश्किल हो जाता, فاستغفر الله الف مره تو میں ہزار مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر فرماتے اور میرا مسئلہ حل فرما دیتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ مال میں بھی فراوانی دیتے ہیں، اولاد سے بھی نوازتے ہیں اور باغات کا مالک بھی بناتے ہیں۔ اور اگر کسی نے خوبصورت زندگی بنانی ہو، उसका भी यही एक हल है कि इस्तिगफार कसर से करो। وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى। इस्तिगफार तुम कर लो, जब तक जिंदा रहोगे अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। तुम कमजोरी महसूस करते हो, माली कमजोरी, सोच की कमजोरी, खानदानी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, ईमानी कमजोरी, मिली और कौमी कमजोरी, सारी कमजोरियों को ताकतों में बदलना चाहते हो, इस्तिगफार कर लो। وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ। اے قوم کے لوگوں استغفار کر لو، اللہ تمہیں قوت نہیں، قوتوں پر قوتیں عطا کر دے گا، اور اگر تم نے استغفار نہ کیا تو مجرم تو بنو گے ہی اور کمزوریاں برداشت کرنی پڑیں گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ अल्लाह रब इज्जत ने कितने बड़े इनाम रखे हैं, तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो, तो जहां अल्लाह ताला कमजोरियों को ताकतों में बदल देते हैं, वहां एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया है। काश मुझे और आपको समझ आ जाए। आप में से कौन कौन साथी है जो कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है? कोई नहीं है। मैंने कुछ लिखवाना नहीं है, आप नाराज ना रहिएगा। कोई ऐसा भी सिस्टम है कि आप लिखें औज़ु बिल्लाह तो फॉन्ट लगाएं बिस्मिल्लाह हो जाए? सिस्टम है ऐसा जी?
फॉन्ट नहीं ऐसा, खत तो चेंज हो जाता है, ये खत नस्तालीक है, ये खत तरीका है, ये खत दीवानी है, सारी अकल तो अल्लाह ताला ने दी है ना। बंदा छलांगे मारता है कि मैं 5 पेंटियम तक पहुंच गया हूं, अकल किसने दी है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम कुरान मजीद में बयान किया है जो किसी के पास नहीं और हो भी नहीं सकता, वो क्या है? इल्ला मन تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما। जो सच्ची तौबा कर ले, अमले साले नेक अमल करना शुरू कर दे। अब किसी की उम्र अगर 60 साल 80 साल होगी है तो उसने आखिर जो गुनाह की फरिश्तों ने लिखे ही होंगे ना, रजिस्टरों का जिक्र भी हदीस में आता है कि 99 रजिस्टर होंगे, लिखते वक्त भी लगा है। अब अगर इसको माफ करना है तो उसको मिटाने के लिए भी तो 60 साल लगेंगे ना, क्या ख्याल है? अल्लाह फरमाते नहीं, इस वक्त की कदर करनी। कैसे? ऐसी फॉन्ट लगाओ या ऐसी साल के गुनाहों को माफ नहीं करना, इनको नेकियों में कन्वर्ट कर दो, वो गुनाह भी नेकियां बन जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सच्ची तौबा हो। तौबा और इस्तिगफार जब इंसान करता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कामयाबी से नवाजते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसको जन्नत का वारिस बना देते। फअम्मा मन ताब व आमन व अमिल सालिहा फअसा अन यकून मिन अल मुफ्लिहीन। जो तौबा कर ले, इस्तिगफार कर ले, वो दुनिया में भी कामयाबी होगा, वो आखिरत में भी कामयाब होगा। فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا। कैसी कामयाबी? इन लोगों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएंगे और इनके कोई जुल्म नहीं। La ilaha illallah।